हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? चलो, और आज आपका फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत है और हम एक नई मात्रा के शब्द सीखेंगे और वो है री की। ठीक है, री माने क्या पढ़ा है हम लोगों ने? री माने ऋषि। ठीक है, अब हम उसकी मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए री की मात्रा कैसे लगती है, देखा आपने? ये तो वा प्लस री प्लस क्षा हुआ वृक्ष। वा प्लस री प्लस क्षा हुआ वृक्ष। ओके, नाउ सेकंड, मा प्लस री प्लस गा हुआ मृग। मा प्लस री प्लस गा हुआ मृग। ये देखिए, गा प्लस री प्लस हा हुआ ग्रह। गा प्लस री की मात्रा प्लस हा ग्रह। ग्रह मीन्स घर। ठीक है, अब ये है का प्लस री की मात्रा प्लस शा प्लस का हो गया कृषक। का प्लस री की मात्रा प्लस शा प्लस का हो गया कृषक। देखिए ना, नेक्स्ट इज वा प्लस री की मात्रा प्लस शा प्लस भा वृषभ। वृषभ, वा प्लस री की मात्रा प्लस शा प्लस भा हो गया वृषभ। ओके, नेक्स्ट वन इज का प्लस री की मात्रा प्लस पा में आ की मात्रा प्लस ण कृ पाण। कृ पाण, ठीक है, का प्लस री की मात्रा प्लस पा में आ की मात्रा प्लस अणा कृपाण। ओके, हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, वा प्लस री की मात्रा प्लस शा वृक्ष। मा प्लस री की मात्रा प्लस का मृग। गा प्लस री की मात्रा प्लस हा ग्रे। का प्लस री की मात्रा प्लस शा प्लस का कृषक। वा प्लस री की मात्रा प्लस शा प्लस भा वृषभ। का प्लस री की मात्रा प्लस पा में आ की मात्रा प्लस णा कृपाण। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा री की मात्रा के शब्द? वृक्ष, मृग, ग्रह, कृषक, वृषभ और कृपाण। ठीक है, अब ये देखिए नीचे, ख मेरी की मात्रा ख, ख का में सॉरी का मेरी की मात्रा क्र, ख मेरी की मात्रा ख्र, ग मेरी की मात्रा ग्र, घ मेरी की मात्रा घ्र, च मेरी की मात्रा त्र, छ मेरी की मात्रा छ, ज मेरी की मात्रा ज्र, झ मेरी की मात्रा झ्र, त मेरी की मात्रा ट्र, ठ मेरी की मात्रा ठ्र। ओके, ड मेरी की मात्रा ड्र, ढ मेरी की मात्रा ट्र, त मेरी की मात्रा त्र, थ मेरी की मात्रा थ्र, द मेरी की मात्रा द्र, ध मेरी की मात्रा ध्र, न मेरी की मात्रा नृ, प मेरी की मात्रा प्र, फ मेरी की मात्रा फ्र, भ मेरी की मात्रा भ्र, म मेरी की मात्रा म्र, य मेरी की मात्रा र, रा मेरी की मतलब रा, ला मेरी री की मतलब रा, व मेरी की मतलब व्रा, श मेरी की मतलब श्र, श मेरी की मतलब श्र, स मेरी की मतलब स्र, ह मेरी की मतलब ह्र। ठीक है, ये सब आपको क्या जो अक्षर हैं उनमें सब में री की मात्रा लगा करके बताया। चरणों,
ठीक है, ये आपने क्या पढ़ा, सब री की मात्रा के शब्द पढ़े और फिर अक्षर भी पढ़े। ठीक है, तो आप सब बच्चों इसका खूब पढ़ने का अभ्यास करो ताकि आप लोग सब इसको अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, हम फिर मिले।